छात्र के ऊपर अभी इलाहाबाद में लाठी चार्ज हुई है, उसको किस तरीके से देखें आप? छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ तो बहुत अच्छा नहीं, संपत्ति को अगर नुकसान करेंगे तो एक ही विकल्प है लाठी चार्ज, आप फूंक देंगे देश को। उत्तर प्रदेश के 5 चरणों में मतदान हो चुके हैं और 6ठे और 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रही हैं। हम लंका चौराहे के केशव तंबाकू भंडार पे हैं, ये पान की दुकान काफी फेमस है लंका चौराहे पे, यहाँ पे चुनावी चर्चा हो रही है तो हम भी उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शेखर सिंह। तो क्या कुछ लगता है इस बार बनारस की जो समीकरण बन रहा है क्या रहेगा, क्योंकि 8 सीटें भाजपा के पास है, क्या कुछ बदलाव होगा या फिर से कायम? बदलाव नहीं होगा जी। क्या कहना आपको? नहीं नहीं सही कह रहे हैं। सही है। कैसा रहा कार्यकाल? बहुत अच्छा कार्यकाल था जी। आप बताइए क्या कल्प है बनारस का? फर्स्ट बार इतनी खूबसूरती, इतनी सफाई हम लोग देख रहे हैं बनारस में, इतनी रोड बिल्डिंग है, स्वच्छ वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ये संभव था नहीं। विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप में दुनिया का एकमात्र उदाहरण बन गया। 24 घंटा लाइट भी लोग भूल गए हैं कि कब लाइट जाती है। बढ़िया है विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया, बहुत अच्छा है। रोड, हाईवे, सीवर, नाली सब बहुत बढ़िया। नौजवानों के बीच जा रहे तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे मिल रहे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा मिल रहा है, कह रहे हैं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बीच। कोई बेरोजगारी की मुद्दा नहीं है, इतना रोजगार आया, अगर लोग काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो कोई रोजगार नहीं। जो पढ़ने वाले हैं उसमें बेरोजगारी नहीं है, जो दिन भर मोबाइल देख रहा है बैठ करके वो पॉकेट मार, उसके लिए कंपटीशन कीजिए, डायरेक्ट जाइए वैकेंसी। क्वालिफाई करने के बाद भी, बीट करने के बाद भी लोग आंदोलित हैं। जैसे आप 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, 1,33,000 शिक्षा भर्ती आंदोलन की बात करें, 68,500 शिक्षा भर्ती आंदोलन की बात करें, या दरोगा भर्ती की बात करें जो अभी ट्रेनिंग पूरी करके बैठे हुए हैं। तो आंदोलन के लिए अब मोदी जी ने बताया था कि हम लोग का जीन में आंदोलनकारी लोग रहे यहाँ पे। नहीं तो कहीं कहीं सरकार असफल है ना उनको नौकरी देने में। 3 साल कोरोना काली था, फिर जो एग्जाम अभी हुए उसका रिजल्ट सरकार घोषित नहीं कर सकती। दरोगा या साई की भर्ती हुई है अभी, जिसका एग्जाम हुआ, साफ सुथरा एग्जाम कराया गया, अगर कहीं गड़बड़ी उसको निरस्त करके फिर कराया गया, तो ये पहली ऐसी सरकार है। पेपर हुआ था उसमें, आपको भी सुनने में आया होगा कि ये पेपर लीक हो गया। लीक हो गया था हाँ, उसके जांच हुआ तुरंत, उसको फिर उसके बाद दोबारा अपने ही भर्ती से फिर हुआ। ये पहली ऐसी सरकार है, पहले क्या होता था कि पेपर लीक होते थे उसी पे एग्जाम को फाइनल कर लिया जाता था, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि पेपर लीक होने पे एग्जाम को निरस्त किया जा रहा है, फिर से एग्जाम करा के फ्रेश अभ्यर्थी को जो सही है उनकी नियुक्ति किया। अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है तो कैसे अब वो दोबारा? देखिए रोजगार के लिए तो इतना फीस लेना ही पड़ेगा, तो वो फीस वापस करनी चाहिए ना सरकार को। हाँ करना ही मानते ये बात, कोई योजना बनानी चाहिए सरकार को कि जो फीस है, लेकिन उनको फिर से एडमिट कार्ड देने जा रही है, सूचना आया है। गवर्नमेंट भाड़ा भी मुहैया करा रही है और फ्री एडमिट कार्ड दे रहा है। छात्र के ऊपर अभी इलाहाबाद में लाठी चार्ज हुई है, उसको किस तरीके से देखें आप? छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ तो बहुत एक तरह से अच्छा नहीं, संपत्ति को अगर नुकसान करेंगे तो एक ही विकल्प है लाठी चार्ज, आप फूंक देंगे देश को। नहीं नहीं वो उग्र तब हुए जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, नहीं तो वो अच्छा जो हॉस्टल में बच्चे थे, हॉस्टल में जो बच्चे थे उनका दरवाजा तोड़ तोड़ के बंदूकों के बीच, जो अपराधी बच्चे हैं तो उनके तो गिरफ्तारी होगी। आप पढ़ने आए कि ट्रेन फूकने आए, देश का क्षति आप करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। आपकी नजर में कैसा रहा? बहुत बढ़िया था कार्यकाल, हम लोग चाहते हैं फिर से योगी बाबा रिपीट करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, क्या कह रहे हैं भैया? कैसा रहा कार्यकाल? सर हम कुछ नहीं बोलना चाहते है, इसीलिए बताइए तो क्यों नहीं बोलना? अब हम क्या बोले? खुश है? हाँ एकदम खुश है हम। आप ऐसे लग रहा है कि नाराज है? नहीं हम नाराज नहीं है सर, फिर से भाजपा आ रही है प्रदेश में, अब ये तो समय बताएगा। आप कुछ भी और ये बता भी नहीं रहे कौन है, ये तो भाई वोटरन के ऊपर है। तो आप किसको वोट? जनता करेगी वोट। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं जो इस पान भंडार पे पान खाने आए थे उनसे हमने चुनावी चर्चा करी, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भाजपा का जो कार्यकाल रहा उससे ये संतुष्ट नजर आए और एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा को चाहते हैं। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।